सोन से रैया अभियान खत्म करने पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। 2 घंटे के बाद दिया ज्ञापन। कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़ा संघ। अपर कलेक्टर अंकुर रवि गुप्ता लेने आए ज्ञापन, लौटे वापस। कलेक्टर को बाहर बुलाने की मांग पर अड़ा रहा संघ। सड़क पर बैठकर किसानों ने की नारेबाजी। 30 जनों को प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। अगर 30 जनों के अंदर सोनचरैया अभियान खत्म नहीं किया गया तो 32 गांव के रहवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार और भारत सरकार होगी। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा देवी के साथ आए कलेक्टर आए इन 32 गांव वासियों ने ये बात राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से कही। आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नरवर तहसील करेरा क्षेत्र के 32 गांव सोनचरैया अपहरण में आते हैं और यहां पर आज तक सोनचरैया नहीं दिखी है। यहां की जो जमीनें हैं वो वन विभाग की नहीं है, यानी किसानों की है, लेकिन सोनचरैया अभियान क्षेत्र घोषित होने की वजह से 32 गांव के किसान अपनी जमीन का क्रय विक्रय नहीं कर पा रहे हैं और न ही जमीन पर लोन ले पा रहे हैं। इसकी वजह से क्षेत्र काफी पिछड़ गया है। 32 गांव के सभी किसान परेशान हैं, बेरोजगारी यहां पर चरम पर है। इसलिए 30 दिन के अंदर अगर इस क्षेत्र को सोनचरैया अभयारण्य से मुक्त नहीं किया गया तो सभी 32 गांव के किसान आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार और भारत सरकार होगी। ज्ञापन देने वालों में राजवीर गुर्जर, गौतम सिंह रावत, श्याम सुंदर गुप्ता, जसपाल सिंह ढिल्लन, टीकाराम रामेश्वर आदि शामिल थे। सोनचरैया अभयारण्य क्षेत्र को हटाने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है, जो कि बहुत सालों से ग्रामीणों पर जबरदस्ती थोपा गया है, जिसमें फॉरेस्ट की कोई ज़मीन नहीं है, सब राजस्व और भूस्वामियों की ज़मीन है। जबरदस्ती ये जो अभ्यारण यहाँ पर किया गया है उसके संदर्भ में ये ज्ञापन आज कलेक्ट्रेट में PM के नाम दिया जा रहा है। अगर आपकी मांगे आगे पूरी नहीं होती तो हम आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल है? कोई पार्टी शामिल नहीं है इसमें। किसान संगठन के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। ये पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा तो सिर्फ बीजेपी? पूरे मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हमारे जो 32 गांव आते हैं इसमें, ये 32 गांव का आंदोलन है सोनचरैया अभ्यारण। बाकी रहा पूरे मध्य प्रदेश का, तो भारतीय किसान यूनियन पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में काम कर रहा है।